Hello, everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So, let's start today's chemistry session with the second part that is the second unit, also of your uh, chemistry lovers that is a state. स्टेट्स ऑफ मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे आफ्टर दैट अप्रोक्सिमेशन में आज हंड्रेड प्लस क्वेश्चन को सोल्व भी करेंगे इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको थ्री फोर क्वेश्चन तो एग्जाम्स में मिलेंगे ही मिलेंगे बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसको छोड़कर हम चल नहीं सकते सो दैट स्टार्ट करते सो फर्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बोलूंगी फॉर्मूलाज बोलूंगी दैट इज आपको बी सी जी सी आई बी सी जी सी आई दैट लॉ गु लॉ कम्बाइंड लॉ आइडियल गैस लॉ आप ऑनली रखना जो प्रेजेंट नहीं है वो कॉन्स्टांट होता है जो प्रेजेंट नहीं है वो कॉन्स्टांट रहेगा ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉल्स लॉ बॉल्स लॉ में क्या होता है ना पी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं सो दैट पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू क्वेश्चन आते जस्ट लाइक प्रेशर गिवन है फर्स्ट प्रेशर इनिशियल प्रेशर गिवन है एंड फाइनल प्रेशर गिवन है इनिशियल वॉल्यूम गिवन है फाइनल वॉल्यूम को निकालना है या फिर वॉल्यूम uh, गिवन है इनिशियल वॉल्यूम एंड द फाइनल वॉल्यूम बट प्रेशर एक का है दूसरे का नहीं है सो so, वहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप पता करिएगा कि यहाँ पे बॉयल्स लॉ लगा चार्ल्स लॉ आपका क्या है चार्ल्स लॉ में भी दैट इज अभी एंड टी यहाँ पे वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सो भी बाई टी बाई टी दैट मीन भी कौन सा चीज नहीं है प्रेशर नहीं है दैट मीन्स प्रेशर यहाँ पे कॉन्स्टेंट है गे लुसाक लॉ में थोड़ा सा ऑपोजिट आते P से आएंगे P T में, है. तो पी बाई टी दैट मीनस बाई टी वन इक्वल्स टू पी टू बाई टी टू अभी नेक्स्ट देखिए कंबाइंड गैस लॉ या फिर कंबाइंड लॉ दैट इज आप यहाँ पे जो तीनों यूज किए थे पी वी टी दैट इज पी वन भी वन बाई टी वन इक्वल्स टू पी टू भी टू बाई टी टू ओके सो ये सारा कहा से आया दैट इज द कंबाइंड गैस लॉ मीन्स बॉल्स लॉ प्लस चार्ल्स लॉ प्लस गेलूसार लॉ आइडियल गैस लॉ

कौन सा प्रोसेस uh, में वो प्रेजेंट है दैट मीन्स अ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के ऊपर वो डिपेंड करता है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ये क्वेश्चन भी हैं आज के डिस्कशन में सो पी वी इक्वल्स टू के वन के टू के थ्री ये जो आपके कांस्टेंट्स हैं जो वेरिएबल्स हैं वो उसको हमने कॉन्स्टांट में कन्वर्ट किया दैट इज़ द आर आर अभी उसके यूनिट्स uh, के अकॉर्डिंग चेंज होते अगर लीटर्स में है लीटर्स एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर है एटीएम में है दैन उसका वॉल्यूम होगा या फिर उसका अमाउंट होगा सॉरी वॉल्यूम बोल रही हूँ अमाउंट होगा आर इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन ठीक है अगर यहाँ पे आ गया आपका जूल या फिर आई थिंक किलो पार्सकल्स ऐसे कुछ आ गए तो एट पॉइंट थ्री वन फोर ठीक है ऐसे लिखना है आपको याद रखना है कहाँ पे कैसा है यूनिट्स गिवन रहता है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग सो उसके बाद ना मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ क्योंकि हमने ये सारे क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया है सो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ हैं सो फर्स्ट याद रखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर क्वेश्चन आता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना है सो फाइंड आउट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर दिस मॉलिक्यूल और फॉर दिस कंपाउंड तो वहाँ पे के इक्वल्स टू थ्री बाई टू आर टी के इक्वल्स टू थ्री बाई टू आर टी हेयर यहाँ पे के मेंशन है के टी है सो so, के को अगेन हम सॉल्व कर सकते हैं दैट इज के इक्वल्स टू थ्री बाई टू के टी भी आप बोल सकते हो के टी दट इज अ थ्री बाई टू के टी तो के इक्वल्स टू अगेन के इक्वल्स टू होता है आर बाई एन ए एन ए मीन्स एबोगा अभी पढ़ के आए हम लोग आइडियल गैस कॉन्स्टेंट सो आइडियल गैस कॉन्स्टेंट बाय एन इक्वल्स टू के तो उसका भी एक डेफिनेट वॉल्यूम आता है मीन्स अमाउंट आता है पावर माइनस ट्वेंटी थ्री जूल किलो इनवर्स दैट इज इनवर्स मोल इनवर्स ठीक है ये जो के है दैट इज अ बोल्समैन कॉन्स्टेंट क्या बोल सकते हैं इसको बोल्समैन कांस्टेंट तो आपको याद रखना है एवरेज काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू थ्री बाई टू के टी के इक्वल्स टू आर बाय एन ए आर इक्वल टू आइडियल एंड एन एक्वल्स टू एबोगाड्रोज़ नंबर दैट इज अट सिक्स पॉइंट जीरो इंटू टू ट्वेंटी थ्री और जीरो टू टू दैट इज हमने जो भी रेस्ट पार्ट था उसको जीरो टू थ्री कर दिया ट्वेंटी थ्री ठीक है आर इक्वल्स टू यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं अगर किलो जूल में है दैट मींस ये ओके okay, सो so, इसको याद रखना है ठीक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आइडल गैस कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा अभी हमने मेंशन किया था अगर प्रेशर है, में है आप करेंगे तो पे जूल में आपको देख रहे हैं ये पॉइंट क्या है जूल में है जूल किलो एनबर्स सो so, यहाँ पे कौन सा यूज हुआ एट पॉइंट थ्री थ्री वन फोर ऐसा यूज करेंगे सो so, ये याद रहा उसके बाद मैं क्लीन करती हूँ नेक्स्ट चलते सो नेक्स्ट है वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आपको ये भी याद रखना है बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन इससे भी आए हैं ओके सो फर्स्ट मोस्ट प्रोबावली वेलोसिटी मोस्ट प्रोबावली वेलोसिटी ठीक है एवरेज वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये तीन चीज याद रखना है ठीक है

कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दूनिट जो भी क्वेश्चन में गिवन हूँ चेक करके जीरो पॉइंट जीरो एट वन मेंशन कर सकते हैं ठीक है ठीके? उसको कैल्कुलेट करना पड़ेगा तो आपको रिमेम्बर करना है ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड कुछ कुछ चीजें मैं क्वेश्चन के टाइम पे भी बताऊंगी दैट इज अल्फा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ टू आर टी बाई एम The next is average velocity. Average velocity equals to uh, square root of 8RT by pi m. 8RT by pi m.

आप याद रख सकते हो एंड यूज कर सकते हो एवरेज वेलोसिटी आफ्टर दैट नेक्स्ट देखिए क्या आता है दैट इज आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसको हम आरएमएस बोलते हैं शॉर्टकट में आरएमएस होता है एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं यू से तो यू आरएमएस ठीक है यू आरएमएस सो इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल सपोज आपको ना गिवन है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ठीक है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स गिवन है तो उसको आप क्या करेंगे स्क्वायर्स करेंगे स्क्वायर्स जितने भी नंबर्स में है उसका मीन कैसे डिराइव करते सपोज वन टू थ्री फोर कुछ डाटा गिवन है अभी इस डाटा को आप क्या करते हो सारा ऐड करते हो डिवाइडेड बाई जितने नंबर्स में डाटा थे उसको डिवाइड करते हो तो मीन निकलता है तो यहाँ पे स्क्वायर निकालना है सबका ऐड करना है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डाटा जितने भी गिवन है उसके स्क्वायर रूट अगेन निकालना है तो वो मिल जाएगा आपको यू आर एम एस दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वैलोसिटी सो याद रहा एवरेज वैलोसिटी मोस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ टू आर टी बाय एम ये एम आ गया एट आर टी हो गया ठीक है अभी ये एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ सबको पूछा जाता है कि ये तीनों में रिलेशन क्या है दैट इज अल्फा इज टू मतलब मोस्ट प्रोबेबल जो वेलोसिटी है इज टू एवरेज वेलोसिटी है एंड रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी है उसमें क्या रिलेशन है दैट इज अल्फा इक्वल्स टू वन सो आपका जो मिडिल का रह गया दैट इज द एवरेज वेलोसिटी दैट इज द वन पॉइंट वन टू एट एंड यू दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल्स टू कितना आ गया वन पॉइंट टू टू फोर याद देखिएगा ये क्वेश्चन आता है रिमेंबर करके रखो एंड इसका सीक्वेंस याद रखिए अल्फा इज टू वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इज टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल्स टू 1.1 रेशियो 1.128 रेशियो 1.224 सो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा आपको फार्मूला याद है किसका अल्फा का अल्फा इक्वल्स टू तो कितना था स्क्वायर रूट ऑफ 2RT बाय एम यहाँ पे थ्री आर टी बाई एम है या फिर हम अगर डेंसिटी uh, के अकॉर्डिंग चेक करें तो पी बाई डी दैट इज अ पी बाई डी ठीक है पी बाई डी हम ले सकते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ थ्री पी बाई डी याद रख सकते हैं और भी फॉर्मूलाज हैं दैट इज जस्ट लाइक यहाँ पे गिवन हो सकता है जैसे यू है मतलब आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टू टाइम्स दिया गया है टू टेम्परेचर में सो यू वन आप मैंशन कर सकते हैं यू टू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ टी वन बाई टी टू इतना आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इतना याद करने के बाद क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट से सो so, इतना याद रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजीली कर सकेंगे सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ ए गैस द कंडीशन मोर फेवरेबल आर ज्यादा नहीं बोलूंगी फटाफट से चलेंगे बिकॉज जिसमें इंपॉर्टेंट है उसको सॉल्व करके दिखा अच्छा सो फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ ए गैस गैस एक को करना है तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगा गैस को लिक्विफाइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ेगा टेम्परेचर रिड्यूस हुआ तो प्रेशर इंक्रीज होता है सो दैट लो टेम्परेचर हाई प्रेशर इज द आंसर नेक्स्ट चलो

देन नेक्स्ट क्या होगा दैट इज टू लीटर के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे एट व्हाट टेम्परेचर इन द सेल्सियस स्केल

ठीक है विल बी डबल कीपिंग द प्रेशर कॉन्स्ट्रंट प्रेशर को कांस्टेंट किया गया है सो so, आपको T2 निकालना है T2 क्वेश्चन मार्क है एंड नेक्स्ट वॉल्यूम कितना है डबल्ड है दैट इज द V2 इक्वल्स टू टू वी ठीक है तो आपको भी वन मिला है भी है टू भी है एंड उसके बाद टी वन है बट टी टू नहीं है तो आप कौन सा फॉर्मूला है याद करो सो भी टू बाई टी टू इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपको मिल जाएगा आपका वैल्यू दैट इज आपको कितना वैल्यू मिल जाएगा वेट मैं आपको करके भी दिखाती हूँ सो रेड ओके देखो यहाँ पे गिवन क्या था हमारा तो आपको फॉर्मूला याद है भी वन बाई टी वन इक्वल्स टू भी टू बाई टी टू राइट इतने हो गए अभी देखो भी वन के प्लेस में आपको क्या लगाना है भी ठीक है टी वन कितने हो गए दैट थ्री हंड्रेड ठीक है एंड प्लस प्लस तो कुछ नहीं आएगा दैट इज इक्वल्स टू भी टू आपका गिवन है टू भी एंड टी टू आपको निकालना है सो so, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई भी हो जाएगा सो भी कट जाएगा सिक्स हंड्रेड आएगा ठीक है 600 के so, सो आपको आंसर में सिक्स हंड्रेड के नहीं दिख रहा है, बिकॉज ये सेल्सियस में तो सिक्स हंड्रेड के से आप माइनस कर दो टू सेवेंटी थ्री को सिक्स हंड्रेड के माइनस टू सेवेंटी थ्री सो यू गेट थ्री टू सेवन डिग्री सेल्सियस ओके राइट सो आपको नेक्स्ट में ले जाती हूँ इज द प्रेशर एट व्हिच वन मोल ऑफ द गैस जीरो डिग्री सेल्सियस ऑक्यूपाइज ऑफ लीटर इज डैश आपको याद होना चाहिए दैट इज अगर आपको प्रेशर एट व्हिच वन मोल ऑफ गैस जीरो डिग्री सेल्सियस में कितना स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोला गया है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर सो प्रेशर एक है जहाँ पे वन मोल ऑफ गैस जीरो डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर कितना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर जीरो डिग्री तो उसमें कितना वॉल्यूम आएगा कोई भी गैस का दैट इज ट्वेंटी टू पॉइंट फोर

ओके सेवन फोर्टी है आपको और क्या गिवन है दैट इज हंड्रेड एम दिया गया है हंड्रेड एम है ठीक है हंड्रेड एम गैस को आपको एटी एम गैस करना है ठीक है चेंजेस करने हैं प्रेशर चेंजेस हुए तो देखो अभी क्या चीज़ आया दैट इज आपको मेंशन किया गया है यहाँ पे वॉल्यूम भी है वी वन है हंड्रेड वी है एटी ठीक है आपको आ,

सेवन फोर्टी ठीक है सेवन फोर्टी आपका फोर्टी तो सेवन फोर्टी सेवन फोर्टी को क्रॉस कर दिए जीरो जीरो क्रॉस एंड टू फोर्टी मल्टीप्लाई कर दीजिए टू फोर्टी मिल जाएगा ओके राइट आंसर देन नेक्स्ट चलते है. द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ एन आइडियल गैस एक आइडियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना है वन है ऑलवेज याद रखिएगा रिमेंबर करने वाली चीज है दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना है वन है देन नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट मैट्रिक बताऊंगी एट एस टीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर

एंड एच बी आर का है एटी वन सो उसके अकॉर्डिंग टू फिर आया आपका ट्वेंटी एटी वन सो उसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट ओके okay, नेक्स्ट चलते ऊपर बहुत सारा रेशियो ऑफ आर एम एस स्पीड एंड एवरेज स्पीड ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डैश थाबल हो सकता is, is आपका है उसके अकॉर्डिंग दैट इज आरएम एवरेज स्पीड है गैस मॉलिक्यूल्स के लिए तो गैस मॉलिक्यूल्स के आपको रिमेम्बर करना है ये रिमेंबर वाला चीज है One, okay? Next, equal masses of Ethan, आपको पता है इथेन क्या है दट इजेन इथेन दैट इज सी टू एच सिक्स एंड हाइड्रोजन एच टू आर मिक्सड और दैट इज अस्चर्ड इन एंड एम्टी कंटेनर एक एम्टी कंटेनर में हम मिक्स करेंगे टेम्परेचर की द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर हमें फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर चाहिए तो आपको और एक फॉर्मूला बताती हूँ मैं दैट इज आप पहले भी पढ़े हो तो ये चीज होता है यहाँ पर प्रेशर पूछा गया तो प्रेशर इक्वल्स टू तो दोनों के लिए इसके लिए जो प्रेशर है इसके लिए जो प्रेशर है, जो प्रेशर है उसको कैसे काउंट कर सकते हैं उसके अंदर कितने मोल्स है जान के तो एक पहला बेसिक होता है पी इथेन प्लस पी हाइड्रोजन ठीक है इतना याद रहा अभी पी इथेन का फॉर्मूला क्या होगा जितना उसका मोलिकुलर नंबर होगा तो हम यहाँ पे गिवन छोटा कौन सा है यहाँ पे आपको आप अगर मोलिकुलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे इथेन दैट इज सी टू तो सी टू मीन्स सी का हो गया ट्वेल्व एच का हो गया वन तो उसको काउंट कर लेंगे तो ट्वेल्व इंटू टू ठीक है ट्वेंटी फोर प्लस एच सिक्स है सिक्स ठीक है तो कितना हो जाएगा आपका थर्टी हो जाएगा थर्टी हो जाएगा तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे कैसे तो एक्स बाय थर्टी इसके लिए मॉलिक्यूल्स कितना काउंट करेंगे 30. ठीक है एंड इसके लिए मॉलिक्यूल्स कितने हो गए है सो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे ये तो आपका एच टू था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है तो उसके अकॉर्डिंग एक्स बाय टू याद रहा एक्स बाय थर्टी एक्स बाय टू अभी क्या करेंगे फ्रैक्शन देखना है तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग याद करो क्या आपको क्या करना है फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको बताती हूँ कि जिसका फ्रैक्शन निकालना है किसका फ्रैक्शन निकालना है सपोज हाइड्रोजन का निकालना है तो आपका हाइड्रोजन का वैल्यू कितना था एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय टोटल कंबाइंड वाला है दैट इज कंबाइंड का मोल uh, से आप डिवाइड करो उसको निकाल रहे हो तो ये हो जाएगा एक्स बाई सिक्सटीन प्लस ठीक है अभी क्या करेंगे करेक्शन करेंगे क्या करेक्शन कैलकुलेट करके करेक्शन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो चीज है is, X 16, X 2. अगर करते तो आपको मिल जाएगा कट कर लीजिए एंड थर्टी को ऊपर ले जाइए सो फिफ्टीन बाय सॉरी थर्टी बाई टू कितना होता है फिफ्टीन बाय सिक्सटीन सो आपका ऑप्शन रेशियो आ गया फिफ्टीन इस टू सिक्सटीन हो गया नेक्स्ट चलता है Which of the following gases will have the highest rate of diffusion? ठीक है rate of diffusion. Oxygen का चेक करिए. Oxygen कितना है? O2 O2 का हो गया 32. ठीक है O2 का हो गया 32. N2 N2 का हो गया 28. CO2 12 plus uh, 44. ये हो गया 44. 12 plus 32 44. N is three. That is N is seven and three. Ten. तो सबसे जिसका कम है. That is our मोलिकुलर मास वही होता कि उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई होगा ठीक है छोटा है हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन दिखाएगा सो एन एस थ्री इज आंसर सो नेक्स्ट सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जैसे जैसे लिक्विड का सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है ना वैसे ही उसका याद रखिएगा जैसे इंक्रीज in होगा वैसे ये डिक्रीज होगा ठीक है डिक्रीज होगा नेक्स्ट भेंट ऑफ फैक्टर फॉर एनएसियल एनएसएल इज डैश तो इसको आप रिमेंबर कैसे रखोगे देखो डिसोसिएशन एनर्जी के अकॉर्डिंग डिसोसिएशन एनर्जी के अकॉर्डिंग ठीक है वेंट ऑफ फैक्टर ठीक है सपोज आपको गिवेन है एन सो एन का पहले ब्रेक कर देते हैं एन ए क्या गिव करेगा एन ए प्लस सी एल माइनस राइट सो एन ए प्लस का आप एनए का कन्फिग्रेशन uh, बोलो दैट इज दू एट वन क्लोरिन का कितना है टू एट सेवन ठीक है सो so, ये कितना गिव कर सकता है वन ये कितना ले सकता है वन सो वन प्लस वन कितना हो गया टू तो so, फैक्टर कितना है एक फैक्टर यहाँ वो डोनेट कर सकता है एक फैक्टर ये रिसीव कर सकता है सो so दैट दोनों को ऐड कर लो तो आपको मिल गया टू तो, तो ऐसे कोई भी अगर प्रेजेंट है जस्ट लाइक के सी प्रेजेंट है तो के का पहले आप डिसोसिएशन करिए उसके बाद आप कॉन्फिग्रेशन देखो कॉन्फिग्रेशन से काउंट कर सकते हो ऐसे, भेंट ऑफ फैक्टर when an egg is placed in concentrated any solution ek concentrated oil solution mein agar hum dete hain ek egg ko to wo kya karega shrink karta due to kya that is the osmosis ye biological question hai that is osmosis hoga answer ठीक है क्या होता है ना जब solution होता है तो एक का जो water है अंदर जो water रहता है वो क्या होता है रिलीज होना स्टार्ट करता तो osmosis है तो ऑस्मोसिस है ऑस्मोसिस प्रेशर so के वजह से कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग एसिडिक मीडिया से एसिड का जो कंसेंट्रेशन मीडिया है बहुत हाई है वजह से एज कंपेयर टू इंटरनल बॉडी ऑफ वो मूव करना स्टार्ट करता है तो ये ऑस्मोसिस होगा नेक्स्ट चलता है

डेविएशन uh, पॉइंट है दैट इज कॉल्ड डेविएशन और एलिवेशन बोल सकते हैं point बोल सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मोलर फ्रीजिंग के लिए जो constant use होता है क्राइस्कोपिक okay? अगर यहाँ पे मोल एलिवेशन वाला पॉइंट्स होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये mentioned होता कौन सा इबुलीस्कोपिक इबुलीस्कोपिक कांस्टेंट ओके तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट में है द मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट मोलल यहाँ पे क्या था मोलल फ्रीजिंग पॉइंट वो एलिवेशन पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट हुआ तो क्रायोस्कोपिक एलिवेशन पॉइंट होता है इबुलोस्कोपिक टू सॉल्यूशंस आर सेट टू बी आइसोटोनिक दो सॉल्यूशन को हम बोल सकते हैं आइसोटोनिक कब बोल सकते हैं व्हेन जब बोथ हैव सेम वेपर प्रेशर

बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा मोर देन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस राइट चलो वाई वाटर फ्रॉम सॉयल राइजेस टू द टॉप ऑफ दिस ट्री क्यों होता है ये जो सॉयल से वाटर जाता है मूव करता है ट्री के अपर पार्ट तक पहुंचता है ये ड्यू टू डिफ्यूजन ड्यू टू डिफ्यूजन होता है ठीक है ड्यू टू डिफ्यूजन नेक्स्ट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर प्योर वाटर का मोलारिटी निकालना है ठीक है पहले तो प्योर वाटर का आप मोलिकुलर मास भी निकाल लो

क्योंकि ये केजी में होता तो ग्राम्स होता एंड लीटर में है तो एम होगा तो अभी मेंशन करना है कि कैसे हम काउंट करें सो so, ए आप क्या करेंगे डायरेक्टली प्योर वाटर का आपने निकाल लिया एंड डिवाइड कर दो अभी थाउजेंड को डिवाइड कर दो एटीन से आपको मिल जाएगा वैल्यू दैट इज फिफ्टी फाइव पॉइंट फिफ्टी सिक्स ठीक है इतना ही है नेक्स्ट वेंट ऑफ फैक्टर इन टर्म्स ऑफ मॉलिकुलर मास इज डैश theoretical molecular mass by observed molecular mass observed molecular mass uh, divided by theoretical molecular mass both a and b uh, or non of these kaun sa hoga that is aapko yaad rakhna hai ki ye van't hoff factor hai van't hoff factor ka bhi maine kiya tha so usme mention tha ki that is aapko molecular mass chahiye important hai so theoretical molecular mass by observed molecular mass ye hoga

देखो ऐसा था ना मोलर मॉलिक्यूलर मास को दैट इज मोलर प्रोबेबल मास को हम प्रोबेबल जो वेलोसिटी था मास का वो होता है अल्फा डिनोट किए थे दैट इज ये एवरेज होना था ये थोड़ा सा एंगुलर लिख दिया एएनजी हो गया एवरेज होने से ये मिडिल में आ जाएगा एंड हाईएस्ट कौन कैरी करता है दैट इज ये कैरी करता है तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया हाईएस्ट वैल्यू इसका ओके okay? क्योंकि अल्फा देन ऐसा है, देन आपका ये हो जाएगा v वेलोसिटी के लिए देन ये आएगा u कैपिटल u सो so, ये हो गया ये ठीक है ये हो गया ये ये हो गया ये तो उसके अकॉर्डिंग ये हाइस्ट है ठीक है नेक्स्ट विल प्रोड्यूस लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग कौन सा लोएस्ट है इसको रिमेंबर करके रखिए ये होगा बिकॉज इसको कैलकुलेट करेंगे बी एस सी एल टू इसका वैल्यू कम आएगा तो उसके अकॉर्डिंग जीरो पॉइंट वन मोलरियम में ये सबसे कम देगा ओके okay? नेक्स्ट कौन सा दैट इज नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी में क्या होता है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर रहता है मोलिटी में मोलालिटी में या एम बाई भी जो पर्सन है मोलर फ्रैक्शन में ये सब आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट नहीं है नॉर्मलिटी में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है

वाटर है बेंजीन है टोलुइन है और ग्लिसरीन है ग्लिसरीन थोड़ा उसका डेंसिटी ज्यादा होता है विस्कस नहीं होता टोलुइन बेंजीन एंड वाटर बहुत ही विस्कस है एज़ कंपेयर टू तो ग्लिसरीन सो so, ग्लिसरीन को डिफिकल्टी में औसत सकता है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं टू व्हाट टेंपरेचर मस्ट अ नियॉन गैस सैंपल बी हीटेड टू डबल द प्रेशर

डैश तो यहाँ पर ना टेम्परेचर निकालना है आपको एक वॉल्यूम मेंशन किया गया है इनिशियल वॉल्यूम जो भी होगा उससे 15 परसेंट वो डिक्रीज करेगा दैट इज प्रेशर गिवन है एक प्रेशर तो है पी दूसरा प्रेशर है डबल हो गया टू पी और एक है 75 डिग्री तो टेम्परेचर टी वन मैंशनड है दैट इज सेवेंटी को मल, आप ऐड कर लेंगे टू प्लस सेवेंटी तो आपको मिल जाएगा पॉइंट दैट इज टू सेवेंटी थ्री प्लस सेवनटी फाइव कर रहे हैं तो आप ऐड करके निकाल लो क्या होगा फाइव एंड थ्री एट सेवन सेवन फोर वन दैट इज अ थ्री फोर्टी एट एंड उसके बाद बोला गया कि ये डिक्रीज होता है तो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए वॉल्यूम को आप डिक्रीज करेंगे फिफ्टीन परसेंट से सो फिफ्टीन परसेंट से डिक्रीज करना है तो आप फॉर्मूला में भी माइनस फिफ्टीन करके आप निकाल सकते हो इन हंड्रेड तो वैसे करेंगे कंबाइंड गैस लो पुट होगा एंड उसके थ्रू वैल्यू निकल जाएगा

इंक्रीज uh, uh, yeah, होगा. होगा यहाँ पे बोला गया मोलिकुलर मास हम इंक्रीज कर रहे हैं जैसे जैसे मोलिकुलर मास ना इंक्रीज होता है उसी के साथ ये बिस्कोसिटी भी इंक्रीज होता है डेंसिटी हमने नहीं बोला मोलिकुलर मास को ऑनली इंक्रीज क्या है मॉलिक्यूल नंबर इंक्रीज होगा ठीक है बट ग्लाइकॉल में ओ एच ग्रुप दो है टू ओ एच ग्रुप सो अकॉर्डिंग टू दिस जहाँ पे ओ एच ग्रुप का नंबर डबल होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है विस्कोसिटी इंक्रीज होता है राइज ऑफ ए लिक्विड इन ट्यूब कैपिलरी ट्यूब में जो जो लिक्विड ग्लास वाटर लेवल क्यों होता ये ये रीजन है टेंशन जितना सरफेस टेंशन किसी भी ट्यूब का छोटा होगा उतना ही वाटर कैपुलरी मोवमेंट होकर ऊपर जाएगा या लिक्विड कैपुलरी मोवमेंट होकर बहुत ही अपर लेवल तक जाएगा

सेकंड होगा सेकंड इनवर्स कहीं पे नहीं होगा सेकंड इनवर्स जहाँ पे हो गया तो वो ट्रू नहीं है सेकंड इनवर्स को मेंशन में करिएगा ज्यादा देखिए यहाँ पे सेकंड इनवर्स सब में है तो ये सारा करेक्ट है बट ये ऑप्शन इसमें नहीं आता है तो ये हो गया इसके अकॉर्डिंग आंसर ठीक है नेक्स्ट देखते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इथाइल अल्कोहल एंड डाई इथाइल इथर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस सेवेंटी एट पॉइंट फाइव डिग्री थर्टी फोर ऑर्डर ऑफ डैश जितना हाई रहता है ना तो उनके जो मोलिकुलर इंटर मोलिकुलर फोर्स है ना वो एक्टिव हो जाते हैं जैसे कि सपोज हमारे बॉडी में भी मोलिकुल्स है अभी मुझे अगर आ, कहीं पे हीट शॉक हो गया या फिर मुझे टेम्परेचर बढ़ गया तो मेरे अंदर पे मोलिकुलर जो फोर्स है इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो इंक्रीज होता है डिक्रीज नहीं होंगे तो उसके अकॉर्डिंग देखिए किसका टेम्परेचर हाई है वाटर का सो so, वॉटर पहले रह गया देन इथाइल अल्कोहल का टेम्परेचर है तो वो रह गया डाई इथाइल इथर उसके बाद है तो हो गया तो दिस सिक्वेंस इज करेक्ट नेक्स्ट थर्टी नाइन में चलते हैं इफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मैंने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दैट इज आइडियल गैस कांस्टेंट के बारे में बताया था 8.3314 और 0.0821 उसका एटॉमिक एटमॉस्फेरिक

टाइम्स इंक्रीज किया तो, भी, तो टू भी हो गया तो अभी टेम्परेचर को हम अप कर रहे हैं तो प्रेशर में कुछ आएंगे आएंगे क्या प्रेशर में नहीं नहीं में ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस एट ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस एंड वन एटमोस्पेरिक प्रेशर Next, 41, one one atmospheric pressure. देखो वन एटमोस्परिक प्रेशर है तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितने में आएगा जूल में आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको कन्वर्ट करेंगे हम 27 डिग्री भी मेंशन है दैट इज 27 डिग्री आपको मेंशनड है क्वेश्चन में सो so आपको याद रखना है फॉर्मूला कैसे करना है आपको काइनेटिक एनर्जी का मैंने फॉर्मूला आपको बताया पहले भी दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू थ्री 3/2 केटी ठीक है केटी सो so आपको केटी का पता है के इक्वल्स टू r/n है

ओके, okay, so मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, देखिए यहाँ पे क्या पुट किया है सो so, तो उसको एड कन्वर्ट करें थ्री हंड्रेड अभी कट करते हैं तो आपको मिल जाएगा सिक्स पॉइंट टू वन इंट पाइनस ट्वेंटी थ्री ऊपर जाएगा तो वो माइनस में आ जाएगा ओके सो नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या मिल गया हमें द रिस्पेक्टेड स्पीड्स ऑफ फाइव मॉलिक्यूल्स आर टून पॉइंट फाइव सिक्स एंड क्या करना है तो उसको करेंगे तो इतना आएगा गलत हो जाए रॉन्ग आएगा सो so, उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व क्या करना है मैंने आपको बोला था मोस्ट प्रोबाबल अगर स्पीड निकालना है तो मोस्ट प्रोबाबल स्पीड का फॉर्मुला क्या है अल्फाइक् टू जितना भी है स्कवायर रूट ऑफ जैसे टू टू स्क्वायर 2 स्क्वायर देन 1.5 स्क्वायर देन 1.6 का स्क्वायर 1.6 का स्क्वायर देन 1.6 का स्क्वायर अगेन यहाँ पे मेंशन कर रही हूं मैं देन आपका और क्या है 1.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय कितने नंबर से 1 2 3 4 5 सो so 5 इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.31 1.31 सॉरी इतने में आपको क्या मिलेगा दैट इज अ आरएमएस मिलेगा दैट इज अ स्क्वायर रूट मीन ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर रूट मीन ऑफ वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपको मिल गया 1.6 मिला तो बहुत लोग यहाँ पे टिक कर देंगे सो so ये हो जाएगा अभी तक अल्फा निकला नहीं है ये आपका ओनली निकला वी आर एम एस वी आर एम एस निकला तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अभी क्या करना है उसको पुट करना है आपको पुट करना है उसमें किसमें तो इसका फॉर्मूला क्या है दैट इज

तो so, पहले आप RMS निकालेंगे, उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन को। मैंने और एक फॉर्मूला आपको दिया था that is, uh, RMS का। so, U1 है, U1 है, U2 given है, है, ठीक तो देखिए ये फॉर्मूला को पुट करेंगे तो आ जाएगा टेम्परेचर गिवेन है टेम्परेचर गिवेन है एक टेम्परेचर गिवन है और एक टेम्परेचर लाना है तो एक टेम्परेचर क्या है दैट इज हंड्रेड तो हंड्रेड को आप इसमें कन्वर्ट करो कैलविन में थ्री सेवेंटी थ्री आएगा तो आपको टी टू निकालना है ठीक है यू वन कितना है सो यू वन आपको मैंशन है कि एक तो होगा U, दूसरा होगा टू यू बिकॉज ये आपका डबल्ड हो रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा U यू, यू कट हो गया ठीक है आपको क्या है एट वर्थ टेम्परेचर स्पीड ऑफ हैव ट्वाइस इट्स वैल्यू एट हंड्रेड डिग्री करेंगे because आपको T1 given है T2 given नहीं है ठीक है हम मेंशन क्या करेंगे चेंज थोड़ा करेंगे एंड चेंज करके स्क्वायर रूट को हम चेंज uh, करने वाले हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर रहे हो तो यहाँ पे टू स्क्वायर यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू थ्री सेवेंटी थ्री रहेगा

का वाला दिया है लास्ट वाला का दिया गया पहले कितना था तो पहले कितना था, था मीन्स ये थोड़ा सा ऑपोजिट वे में, चले। तो में चलेगा दैट तो ये टी थ्री सेवन थ्री नीचे आएगा क्लियर करिए अगेन दैट इज टू पे पे हो गया गया यू यू एंड आ आपका टी बाय थ्री सेवन थ्री ठीक है अभी ये स्क्वायर रूट कर देंगे एंड इसको हटा देंगे हट गया अभी इसके बाद मेंशन होगा फोर इन ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा थ्री सेवन थ्री इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ट्वेल्व मिल जाएगा वन फोर नाइन टू ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दैट इज फोर पॉइंट फोर ग्राम्स ऑफ ए गैस एट एसटीपी टी अ वॉल्यूम ऑफ टू पॉइंट टू फोर लीटर द गैस कैन बी

ठीक है पॉइंट को हटा दे कट कर दे सो टू वन जो टू टू वन जो टू अगेन हम हट रहे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे ठीक तो तो कर है तो, तो, तो हमारा क्या मेंशन हो जाएगा दैट इज टेन ठीक है हम अभी क्या करेंगे फोर पॉइंट फोर

जो भी टेम्परेचर है गैस का वो डबल्ड हो गया टेम्परेचर डबल्ड हो रहा है क्या प्रॉब्लम आएगा या फिर वॉल्यूम में चेंजेस क्या आएंगे इंक्रीज फोर फोल्ड वो फोर टाइम्स बढ़ जाएगा इंक्रीज करेगा फोर टाइम्स के लिए ठीक है नेक्स्ट फिर सेम क्वेश्चन है ये ऑलरेडी हमने किया था एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर

ठीक है है अभी M by B को यहाँ पे चेंज किया गया है, because, uh, PV equals to NRT, हम गैस गैस आइडियल का फॉर्मुला जानते हैं तो यहाँ पे ये कन्वर्ट होके हो गया वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट ऑन दी ऑन यूनिट ऑफ मेजरमेंट किस पे डिपेंड प्रीवियसली भी हम किए थे जो समझा रही थी उस वक्त भी मैंने ये बताया था यूनिट ऑफ मेजरमेंट

मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड किसमें होता है आइडियल गैस का रहता है कि ये आपका आइडियल गैस लो प्रेशर पे बट एन एस्ट्री ऑपोजिट रोल प्ले करता है सो so यहाँ पे यह हो जाएगा एनएसट्री वैसे ही सो करता है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर से ये हट जाएगा यहाँ पे देखो देशर एट विच द रियल द आइडियल गैस लॉस ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड ठीक है अगर ये हो गया पी भी मतलब तो है तो वहां होगा ये हो गया ठीक ठीक है Next Equation slow, ठीक है देखिए को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं बिकॉज पी वीक्वल्स टू पी वन भी वन इक्वल्स टू पी टू भी टू रहता है तो उसके अकॉर्डिंग देखिए कौन सा करेक्ट होगा बिकॉज देखो पी एंड सेम वे में चल रहे हैं तो यहाँ पे

a by b b square whole bracketed multiplied with b, into equals to rt आपको अच्छा लगा हो कल मैं फोर्टी दे दूंगी एंड उसके साथ न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर भी आएगा वीडियो सो so, अगर अच्छा लगा वीडियो so मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कैसा लगा इफ uh, कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रहा है दैन मैं रेगुलरली अभी uh, और भी जो हमारे पास थर्टीन फोटीन डेज है मैं दूंगी एंड पूरे केमिस्ट्री को कवर कर लेंगे ऑलमोस्ट मैंने थ्री फोर uh, दे दिया है यूनिट्स का और ऑलमोस्ट है चार पाँच यूनिट्स है तो उसको कवर कर लेंगे सो थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स थैंक यू